ओके हम लोग क्या बोल रहे थे कि एंटीबायोटिक्स विल बी स्टडिंग आइदर इन 3 to 4 parts, ओके क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर द सेकेंड ईयर्स. आपको बहुत सारा क्वेश्चन आता है इसमें से एंड इवन फॉर द नीट एमडीएस एस्पिरेंट्स बहुत सारा क्वेश्चन आता है इसमें. एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन एवरी ईयर कम फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ एंटीबायोटिक्स इन नीट एमडीएस. ठीक है, तो हम लोग 3 to 4 parts में बात करेंगे इसके बारे में. वी विल स्टडी टुडे पेनिसिलिन एंड अराउंड 10 एमसीक्यूज रिलेटेड विद पेनिसिलिन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स वी विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल. तो एंटीमाइक्रोबियल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? आइदर इट कैन बी साइडल और इट कैन बी स्टेटिक. तो व्हाट डज साइडल मीन? साइडल मींस किल्स. ओके, साइडल का मतलब है जो एंटीबायोटिक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एनी एंटीबायोटिक व्हिच किल्स ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज साइडल. ओके, एंड स्टैटिक मींस व्हिच इनहिबिट्स ग्रोथ. ये मारता नहीं है पर ग्रोथ को इनहिबिट करता है. ठीक है, समझ में आया? सो वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, आइदर साइडल और स्टैटिक. ओके, स्टैटिक इज व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड साइडल इज व्हिच किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, नेक्स्ट, स्टैटिक एंड साइडल ड्रग्स बोथ कैन बी यूज्ड इन नॉर्मल इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट. तो एक पेशेंट सोचो वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, यू नो इम्यूनो कॉम्पिटेंट मतलब उसको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन नहीं है, जैसे एचआईवी नहीं है या कोई एनी अदर कंडीशन व्हिच लीड्स टू कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी नहीं है. तो वी कैन गिव बोथ द स्टैटिक ड्रग्स एंड बोथ द साइडल ड्रग्स. पर क्या है, कोई एक पेशेंट है सोचो इम्यूनो सप्रेस्ड है, जैसे एचआईवी है, तो इम्यूनो सप्रेस्ड होने से क्या होता है, पेशेंट दे आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन. ठीक है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होता है दे आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन. सो वी कैन नॉट गिव स्टैटिक ड्रग्स. स्टैटिक ड्रग देने से क्या हो जाएगा, स्टैटिक ड्रग देंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरेगा. ठीक है, स्टैटिक सिर्फ इनहिबिट द ग्रोथ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाएगा और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह के वहां पे क्या करेगा, आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा. ठीक है, सो आर यू क्लियर विद स्टैटिक एंड साइडल? स्टैटिक एंड साइडल ड्रग्स बोथ कैन बी गिवन इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट. इम्यूनो कॉम्पिटेंट अगर एक आदमी हट्टा कट्टा अच्छा इंसान है उसको हम लोग बहुत स्टैटिक और साइडल दोनों ड्रग्स दे सकते हैं. पर अगर कोई एक पेशेंट इम्यूनो सप्रेस्ड है, एचआईवी पेशेंट है या अदर इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशन है, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, तो उसमें हम लोग साइडल ड्रग्स देंगे ताकि जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सारे मर जाए. वी डोंट गिव स्टैटिक ड्रग्स देयर. अंडरस्टूड? मेजर साइडल ड्रग्स आर, अभी जो साइडल ड्रग्स है उसको कैसे हम याद करेंगे? तो साइडल का मतलब क्या है? किल. साइडल मीन्स किलिंग. तो किलिंग, हु किल्स? एक बेवफा, एक बेवफा मार, हम लोग बोलते हैं ना बेवफा मार डालेगी. हाँ, बेवफा ही मारती है ना. तो बेवफा इज द न्यूमोनिक फॉर रिमेम्बरिंग द साइडल ड्रग्स. साइडल ड्रग्स, तो बे से आता है बीटा लैक्टम. ठीक है, फा से आता है वेंकोमाइसिन, एफ से आता है फ्लोरोक्विनोलोन और ए से आता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड. तो आपको ये याद रखना है, बेवफा मार डालेगी. ठीक है, डालेगी, स्पेलिंग गलत है. ठीक है, ओके, तो बीटा लैक्टम और वेंकोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलोन और अमाइनो ग्लाइकोसाइड. ठीक है, दिस आर द मेजर साइडल ड्रग. साइडल का मतलब क्या है सेकेंड ईयर्स? क्या है साइडल? एनीवन? किलिंग. किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और कौन किल करता है? बेवफा किल करता है. ठीक है, तो याद रहेगा ये बेवफा, बी ई बीटा लैक्टम, वी ए वेंकोमाइसिन, एफ फॉर फ्लोरोक्विनोलोन और ए फॉर अमाइनो ग्लाइकोसाइड. दिस आर द साइडल ड्रग्स. ओके, नाउ वी कैन क्लासिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इट किल्स. देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया. ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम एंटी बैक्टीरियल. जैसे आपका हो गया वायरल, वायरस है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जो वायरस को मारेगा उसको हम बोलेंगे एंटी वायरल. जो
फंजाई है उसको मारेगा, उसको बोलेंगे हम एंटी फंगल, और जो पैरासाइट्स को मारेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंटी प्रोटोजोअल या एंटी पैरासाइटिक, ऐसे बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको किल करता है बैक्टीरिया, उसके अनुसार भी हम ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई, एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज साइडल एंड स्टेटिक, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव ए नोटबुक, नोटबुक है शायद आप सबके पास, प्लीज नोट इट डाउन। ये आपको सेकेंड ईयर पीपल, आपको पीजी तक काम आएगा, एंड इवन फाइनल ईयर इन ओएमआर यू विल बी नीडिंग दिस एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और इंटर्न को तो क्या कहना, इंटर्न को तो चाहिए ही ये सब पढ़ना, ठीक है। तो यू प्लीज नोट इट डाउन। एनीवेज आई विल बी प्रोवाइडिंग विद द नोट्स। ये पीपीटी हम पीडीएफ बना के आपको ऐप में शेयर कर देंगे, बट स्टिल यू प्रिपेयर योर नोट्स, तो आपका खुद का नोट्स जो होगा उसको पढ़ने में आपको सुविधा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज साइडल एंड स्टेटिक, सेकेंड इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या हो गया एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइटिक, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। अब जो एंटीबायोटिक है उसका केमिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है जो वी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, तो उसका एक इवन इफ यू डोंट सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी दे हैव अ केमिकल स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो वी कैन क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स, ठीक है। नंबर फोर, सोर्स। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑल्सो वी कैन क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स। सोर्स में क्या आता है, एंटीबायोटिक्स एंड नॉन एंटीबायोटिक्स। अब नॉन एंटीबायोटिक्स क्या हो गया, एंटीबायोटिक्स, बायो मतलब ऑर्गेनिज्म, जो एंटीबायोटिक हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है हमको उसको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। जैसे पेनिसिलिन कहाँ से मिला था हमको, एनीवन, जोइता, पेनिसिलिन कहाँ से मिला था, जोइता पेनिसिलिन या हाँ पेनिसिलिन नोटेटम, फंजाई, राइट। तो ये पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंड वी गेट इट फ्रॉम फंजाई, तो दिस इज एन एंटीबायोटिक। बट देयर आर सिंथेटिक ऑल्सो एंटीमाइक्रोबियल्स, तो उसको नॉन एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। सिंथेटिक मतलब जो लैब में हम प्रिपेयर करते हैं। Start preparing for the NEET MDS from your home. Dr. Pranav Academy of Dental Sciences. Online classes for all first, second, third, and final year students. NEET MDS online test series, unlimited practice, and highest quality teaching. Affordable pricing. Download the app now. Now, based on mechanism of action, up chemistry. सेकेंड ईयर से दे आर वेरी मच यू नो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पता रहेगा, क्योंकि अभी अभी केमिस्ट्री करके आए हैं 1 साल 2 साल पहले। हाँ, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में होता है, तो मोस्ट ऑफ द जो आपका एंटी माइक्रोबियल्स है दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो उनका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। तो क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, ये जो है ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, जो सेल वॉल है एक बैक्टीरिया का, सोचो ये सेल वॉल है, तो ये एक एंटीबायोटिक है जो ये सेल वॉल फॉर्म होने से इनहिबिट कर देता है। दिस इज वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, तो दूसरा है, सोचो ये सेल वॉल को इनहिबिट नहीं करता, अंदर में प्रोटीन है, तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ओके, फाइन। देन नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, अकॉर्डिंग टू द मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म बाइल में सिक्रेट होता है या किडनी से सिक्रेट होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो वी क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द डीएनए, डीएनए में कैसे इफेक्ट करता है, इफेक्ट ऑन डीएनए, इफेक्ट ऑन डीएनए, सो वी क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑन डीएनए ऑल्सो। एंड देन इफेक्ट ऑन मेम्ब्रेन्स, जो मेम्ब्रेन्स है उसको कैसे इफेक्ट करता है, उसके अनुसार भी हम एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई करते हैं। तो लेट्स रिवाइज अगेन, क्या हमने पढ़ा था अभी, फर्स्ट है साइडल और स्टेटिक ड्रग्स। साइडल मतलब किल्स द ऑर्गेनिज्म, स्टेटिक्स इनहिबिट द ग्रोथ, ठीक है।
फिर मेजर साइडल ड्रग्स बेवफा, बेवफा याद रखना है हमको, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो एंटी बैक्टीरियल हो गया, एंटी वायरल हो गया, एंटी फंगल हो गया, एंटी पैरासाइटिक हो गया। फिर बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर है एंटीबायोटिक का, सोर्स कौन सा सोर्स से आया है उसके अनुसार भी करते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेल वॉल सिंथेसिस इनिबेटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबेटर, बेस्ड ऑन मेटाबोलिज्म, बेस्ड ऑन डीएनए डैमेज, इफेक्ट डीएनए में क्या डैमेज करता है, बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑन मेम्ब्रेन्स। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट पहला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बात किया था हमने, सेल वॉल सिंथेसिस इनिबेटर, तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ओके, तो व्हाट आर द सेल वॉल सिंथेसिस इनिबेटर, तो इसको कैसे याद रखेंगे, द न्यूमोनिक्स इज फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल। ओके, वॉल को वी, हाँ वी सब लिखते हैं ना, क्या लाइक एवरीवन राइट्स ना, जो स्पेलिंग ओरिजिनल स्पेलिंग को दूसरे तरीके से लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो ये वेंकोमाइसिन, ये W होना चाहिए पर हम W को V में लिखते हैं क्योंकि हमको ये न्यूमोनिक्स बनाना है और न्यूमोनिक्स बना के हमको याद करना है। तो सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर में आ गया, फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल। ओके, F से क्या है, फॉस्फोमाइसिन, ठीक है। ये फॉस्फोमाइसिन कहाँ पे यूज करते हैं, UTI, UTI का मतलब क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम करते हैं। ओके, शोइंग माय इंटरनेट, यू कैन हियर मी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। ओके ओके, बाइंड टू, बाइंड टू का क्या है, न्यूमोनिक से बीटा लैक्टम्स। ओके, F for phosphomycin, B for beta-lactam, B for bacitracin. Bacitracin क्या करते हैं हम? It is used for local use only. मतलब local use मतलब topical use करते हैं हम, systemic use नहीं करते हैं. No systemic use. ठीक है? Then C for cycloserine. Okay? Cycloserine कहाँ पे use होता है? Tuberculosis में use होता है. जब हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करेंगे तो साइक्लोसेरिन के बारे में भी बात करेंगे। और वाल, वाल से क्या है, वेंकोमाइसिन, वी फॉर वेंकोमाइसिन, याद रहेगा। अब लोग नोट डाउन कर दो अपने कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। नाउ बीटा लैक्टम्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे देखो फॉस्फोमाइसिन है, फॉस्फोमाइसिन के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बेसिट्रेसिन के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, साइक्लोसेरिन के बारे में बाद में बात करेंगे, बट नाउ वी विल टॉक अबाउट बीटा लैक्टम्स और वेंकोमाइसिन, ये जरूरी है हमारे लिए बात करना। तो बीटा लैक्टम के बारे में हम बात करते हैं, बीटा लैक्टम में क्या आता है, पेनिसिलिन। तो सबने कहा था पेनिसिलिन कहाँ से मिलता है, ए फंजाई बाय द नेम ऑफ पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, हाँ पेनिसिलियम नोटेटम, वेरी गुड, ठीक है। तो फिर और बीटा लैक्टम में क्या आता है, पेनिसिलिन हो गया, फिर सेफालोस्पोरिन, ओके, फिर कार्बापेनिम्स, ये नंबर 3, फिर मोनोलैक्टम्स, ओके, दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ बीटा लैक्टम्स। ओके, तो बीटा लैक्टम क्या होता है, बीटा लैक्टम इज ऐसे एक रिंग होता है, स्क्वायर शेप रिंग, ठीक है, ये बीटा लैक्टम है, ठीक है, और उसके साथ अलग अलग रिंग होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर जो डिफरेंट रिंग है उसके अनुसार ये क्लासिफिकेशन, सेफालोस्पोरिन में अलग होता है ये रिंग, कार्बापिनम में अलग होता है, मोनोबैक्टम, मोनोबैक्टम में सिर्फ 1 बीटा लैक्टम ही रहता है, अलग से रिंग नहीं होता है, मोनो मतलब 1, ओके, ठीक है। तो यू रिमेम्बर दिस, बीटा लैक्टम, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, कार्बापिनिम्स एंड मोनोबैक्टम। आप पहले पहले जो सुन रहा है उनको टफ लग सकता है कि ओ इतना सारा नाम याद करना है, बट व्हेन यू गेट यूज टू इट आपको टफ नहीं लगेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एंड यू मस्ट गेट यूज टू इट, देन यू विल सी दैट इट्स इजी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ पेनिसिलिन के बारे में बात करते हैं, पहला पेनिसिलिन किसके बारे में बात करेंगे, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी कहाँ से मिलता है, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक या ग्राउंड सब्सटेंस से मिलता है, We get it from nature, okay? Penicillin G nature से हमको मिलता है, ठीक है? It is also known as benzyl penicillin, okay? Now what are the limitation? Limitation का मतलब क्या है? Disadvantages.
हम पेनिसिलिन तो पेनिसिलिन जी तो एक पेशेंट को दे दिया। सोचो एक पेनिसिलिन जी हमने एक पेशेंट को दे दिया, फिर क्या होगा, क्या क्या इफेक्ट्स है। तो देखो इट इज नॉट इफेक्टिव ओरली, ओरली ये इफेक्टिव नहीं है। आपको आइदर इसको इंट्रामस्कुलर देना पड़ेगा या आईवी देना पड़ेगा। ओरली क्यों इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि पेट में जाता है, स्टोमक में जाता है, स्टोमक में क्या है, एसिड, और एसिड क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। स्पेलिंग रॉन्ग है, नॉट फोइबल, लेबाइल, एसिड लेबाइल, ओके, मिस्टेक इन टाइपिंग, नॉट इफेक्टिव ओरली। तो एसिड लेबाइल है, स्टोमक में जाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। नंबर टू, शॉर्ट एक्टिंग, तो ये शॉर्ट एक्टिंग है, ज्यादा समय तक काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है, क्योंकि रैपिड ट्यूबुलर सिक्रेशन, मतलब जल्दी से जल्दी एक्सक्रीशन हो जाता है इसका, ठीक है। काम करने के लिए तो ज्यादा समय रहना पड़ेगा शरीर में, तो ही अच्छे से काम होगा। अगर जाता है शरीर में और निकल जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, तो थोड़ी ना काम में आएगा, नहीं आएगा काम में। तो इसीलिए इट इज शॉर्ट एक्टिंग, ये एक लिमिटेशन है। देन इट हैज नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारता है और कुछ सारा ग्राम नेगेटिव कोकाई को मारता है। ये ग्राम नेगेटिव बेसिलस को नहीं मार सकता है। तो लिमिटेड स्पेक्ट्रम, ये इट डज नॉट हैव ए वाइड रेंज कि सबको मार डालता है, ऐसा नहीं है। उसके पास इतना हथियार नहीं है कि वो सबको मार डालेगा। वो कुछ कुछ चुनिंदा लोग है, इसको मार सकता है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, स्टेफाइलोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, इसको मार सकता है। ग्राम पॉजिटिव कुछ बैक्टीरिया बेसिलस है, उसको मार सकता है। ग्राम नेगेटिव मेनिंजोकोकाई है और गोनोकोकाई है, उसको मार सकता है। पर ग्राम नेगेटिव बेसिलियस आ गया, सबसे खतरनाक, इकोलाई, फिर और सारा ऑर्गेनिजम्स आता है ग्राम नेगेटिव बेसिलस में, उसको वो कुछ नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट नेरो स्पेक्ट्रम, इसका नेरो स्पेक्ट्रम है। और अगर ज्यादा स्पेक्ट्रम होने से वी कॉल इट वाइड स्पेक्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, आज आपने पेनिसिलिन जी दिया है किसी पेशेंट को, ठीक है, एक साल बाद फिर से आप उसको उसी डिसऑर्डर के लिए, कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसको, उसी प्रॉब्लम के लिए आप फिर से पेनिसिलिन जी दो, देखोगे वो काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है, बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज डेवलप रेजिस्टेंस, उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट है एलर्जी। तो पेनिसिलिन जी क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है, ठीक है। नाउ अभी हमने बात किया, ये जो है नॉट इफेक्टिव ओरली, ठीक है, एसिड लेबाइल, तो इसका सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, साइंस इज ऑल अबाउट मेकिंग आउट सॉल्यूशन। हाँ, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नेसेसिटी है हमको, अभी ओरली इफेक्टिव नहीं है, हमको जरूरत है कि कोई ड्रग्स ऐसा बनाए जो जो ओरली इफेक्टिव हो। तो हमने ऐसे कुछ ड्रग्स बनाए हैं जो ओरली इफेक्टिव है। क्या है वो, उसको बोलते हैं एसिड रेजिस्टेंट ओरल पेनिसिलिन। तो एसिड रेजिस्टेंट ओरल पेनिसिलिन, ठीक है, ये एसिड रेजिस्टेंट है, स्टोमक में जाके ये खत्म नहीं होता है। और इसको कैसे याद रखेंगे, देखो इसका भी न्यूमोनिक्स है, वोडका। हाँ, वोडका कौन लेता है, वोडका यहाँ पे कौन लेता है, हाँ कोई नहीं बोलेगा, ओके, आई डोंट टेक, आई डोंट टेक, ठीक है। वोडका, वोडका क्या है, ओरल, वोडका इज टेकन ओरली, राइट। तो इससे याद रख सकते हो कि ओरल पेनिसिलिन है वोडका, ठीक है, ओरल पेनिसिलिन इज वोडका। तो वोडका में वी क्या है, पेनिसिलिन वी, ओके। ओ फॉर क्या है, ऑक्सासिलिन, ठीक है। डी फॉर क्या है, डाइक्लोक्सासिलिन। सी फॉर क्या है, क्लोक्सासिलिन। ए फॉर क्या है, दो आता है इसमें, एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन। अब ये नोट डाउन कर दो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसिड रेजिस्टेंट ओरल पेनिसिलिन क्या है, वोडका, ओरल वोडका हम ओरली लेते हैं, तो इसको ओरल पेनिसिलिन में आ जाएगा, ठीक है। जुहा नूर, समझ में आ रहा है, यू आर हियरिंग मी जुहा, हाँ बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, हमने एक प्रॉब्लम बताया था कि इट इज नॉट इफेक्टिव ओरली, इसका तो हमने सॉल्यूशन निकाल दिया वोडका, ठीक है। अब शॉर्ट एक्टिंग है, इसका सॉल्यूशन क्या है, शॉर्ट एक्टिंग का सॉल्यूशन क्या है, वी हैव सॉल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो। तो
तो हमको हम क्या करते हैं, पेनिसिलिन जी के साथ प्रोबेनेसिड बोल के एक ड्रग है उसको मिक्स कर देते हैं, और तो क्या होता है ये दोनों कंपटीशन करते हैं कि कौन जल्दी एक्सक्रीट होगा, और प्रोबेनेसिड जीत जाता है। तो क्या होता है, पेनिसिलिन जी शरीर में रह जाता है और प्रोबेनिसिड शरीर के बाहर चला जाता है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोबेनिसिड कॉम्पीट पेनिसिलिन एट पंप्स इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। तो क्या होता है, पेनिसिलिन जी और प्रोबेनिसिड कंपटीशन करते हैं एक दूसरे में कौन जल्दी एक्सक्रीशन होगा, कौन जल्दी एक्सक्रीशन होगा। तो इसमें कौन जीत जाता है, प्रोबेनिसिड जीत जाता है और पेनिसिलिन पेनिसिलिन जी शरीर में रह जाता है, एंड इट वर्क्स नाइसली देन। ठीक है, फिर और एक सॉल्यूशन है इसका, देखो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाने का, डिपोट प्रिपेरेशन। डिपोट प्रिपेरेशन मतलब क्या है, किन में हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे देते हैं उसको डिपोट इंजेक्शन बोलते हैं। तो उससे भी क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग हो जाता है पेनिसिलिन। ठीक है, तो बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन, ये एमसीक्यू है नीट पीजी एस्पिरेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन। बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी आपको क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन है। ठीक है, और एक सॉल्यूशन भी है प्रोकेन पेनिसिलिन, बट वी वोंट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट। डिपोट प्रिपरेशन आर गिवन बाय इंट्रामस्कुलर ओनली। तो ये जो डिपोट प्रिपरेशन मैंने बोला है ये इंट्रामस्कुलर हम देते हैं। ठीक है, नाउ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन जी कैसे बढ़ाते हैं हम, प्रोबेनिसिड से बढ़ाते हैं, डिपोट प्रिपरेशन से बढ़ाते हैं, बेंजाथिन पेनिसिलिन सी जी, फिर प्रोकेन पेनिसिलिन जी और डिपोट प्रिपरेशन के साथ। ठीक है, ये सेम थिंग व्हाट वी टॉक बिफोर। नाउ अभी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर उसके बारे में बात करना पड़ेगा। तो व्हाट आर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, रुको जस्ट अ मिनट। ओके, तो हाँ नेक्स्ट है बीटा लैक्टमेज। इसका 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 क्या चीज है, व्हाट प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये। तो हमने बताया था कि ये एक प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस, राइट। ये पेनिसिलिन जो अगर हम 1 साल बाद देते हैं या कभी और देते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाता है, और रेजिस्टेंस नहीं होने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। इसमें क्या है, देखो ये एक थ्योरी है डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होता है। ठीक है, सोचो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये पेनिसिलिन जी है। तो क्या होता है, एक बार बैक्टीरिया पेनिसिलिन जी ने बैक्टीरिया को मार डाला, तो इन लोग क्या करते हैं, अरे उन लोग पहचान लेते हैं, नहीं ये पेनिसिलिन जी है ये हमको मार डालता है। तो इन लोग क्या करते हैं, अपना सोल्जर्स यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और ये सोल्जर क्या करता है, जब पेनिसिलिन जी अटैक करता है यहाँ पे तो इन लोग भी अटैक करते हैं और इन लोग जीत जाते हैं। तो इन इन लोगों को पेनिसिलिनेस कहते हैं, पेनिसिलिनेस। ठीक है, और पेनिसिलिनेस को भी बीटा लैक्टमेज बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, हमारे पास तो और एक प्रॉब्लम आ गया कि पेनिसिलिन जी काम कर रहा था, अब इन लोगों ने बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस कर दिया। बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस कर दिया तो पेनिसिलिन जी काम नहीं करेगा, तो हमको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो ये बीटा लैक्टमेज के अगेंस्ट में काम करे। तो उसको बोलते हैं बीटा लैक्टमेज क्या, इनहिबिटर। ओके, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। और वैसे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर का नाम है, एक है क्लेविलिनिक एसिड, एक है सालबेक्टम और एक है टेजोबेक्टम। ये सब अकेले काम नहीं करते, दे डोंट वर्क अलोन, दे हैव टू बी कंबाइन विद क्लेविलिनिक एसिड, कंबाइन करना पड़ेगा उनको एमोक्सिलिन के साथ। आप देखो दोज हु आर इंटर्न दे मस्ट बी नोइंग, हाँ जब भी थर्ड ईयर पीपल दे मस्ट बी नोइंग, हम लोग जब प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं ऑलवेज एमोक्सिक्लैब, एमोक्सिलिन और क्लेविलिनिक एसिड। तो क्लेविलिनिक एसिड क्या है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। फिर एम्पीसिलिन के साथ क्या देते हैं, सालबेक्टम। ठीक है, और पिपरेसिलिन के साथ क्या देते हैं हम, टेजोबेक्टम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये हो गया बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। नाउ अभी और एक सॉल्यूशन, और एक प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ये पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंस, एक तो बता दिया हमने कि
बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर दे सकते हैं, और एक है हम रजनीकांत को भेज सकते हैं। हाँ रजनीकांत को भेज सकते हैं। रजनीकांत का क्या काम है फार्माकोलॉजी में? हाँ काम है रजनीकांत को, रजनीकांत को बुलेट टच नहीं कर सकता, यू नो दैट? आपको पता है बुलेट डज नॉट टचेस रजनीकांत। एक बार एक जोक है पता है, वो जो भूकंप आया था ना, तो भूकंप आने के बाद हम लोग छोटे थे तब, मैं 11 या 12 में था, तो भूकंप आया, तो भूकंप आने के बाद ही इमिडिएटली मैसेज सर्कुलेट होने लगा। तो उस दिन क्रिकेट मैच था इंडिया और श्रीलंका ऐसे कुछ, तो मैसेज आया कि भूकंप किस लिए आया था, क्योंकि रजनीकांत ने अपना जो सेलफोन है वो वाइब्रेशन मोड में रख दिया था, इसीलिए इसीलिए भूकंप आया था। ठीक है, तो बुलेट रजनीकांत को बुलेट टच नहीं कर सकता है। एंड दैट टाइप ऑफ बुलेट रेजिस्टेंट उसको हम बोलते हैं पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। उसमें कौन सा आता है? कॉन्डोम ड्रग्स। कॉन्डोम से आपको, जैसे कॉन्डोम प्रिवेंट्स फ्रॉम प्रेगनेंसी, और ये पेनिसिलिन प्रिवेंट्स फ्रॉम पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कॉन्डोम में सी आ गया, क्लोक्सेसिलिन, ऑक्सेसिलिन, नेफसिलिन, डाइक्लोक्सेसिलिन और मेथिसिलिन। ठीक है, ये एमआरएसए के बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक है, एमआरएसए इज ए होल अलग चैप्टर है, विल बी स्टडिंग इन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, एलर्जी के बारे में बात करते हैं अभी। एलर्जी एलर्जी एक प्रॉब्लम है पेनिसिलिन जी का, है कि नहीं? पेनिसिलिन, वी ऑलवेज हियर दैट एलर्जी। हम लोग ड्रग्स देने के पहले हम लोग बोलते हैं कि पेनिसिलिन आपको एलर्जी है क्या? एवरी इंटर्न्स मस्ट बी नोइंग, एवरी पेशेंट वी गिव आप एंटीबायोटिक देते हो, सबसे पहले पूछ लेते हैं कि आपको कोई एलर्जी है क्या? तो क्या किस लिए एलर्जी है? देखो एलर्जी कैसे रोक सकते हैं, पहले हम स्किन टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, बिफोर गिविंग एनी इंजेक्शन हम लोग पहले, या बिफोर गिविंग पेनिसिलिन, हम इंट्राडर्मल थोड़ा स्किन में थोड़ा सा एक एक ड्रॉप पेनिसिलिन जो ड्रग्स है वो डाल देंगे, डाल के देखेंगे कि कोई सेंसिटिविटी, एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस मतलब एलर्जी दिखा रहा है कि नहीं। अगर एलर्जी नहीं दिखा रहा है देन वी कैन गो विथ। और इसके बाद है क्रॉस एलर्जी। व्हाट डज क्रॉस एलर्जी मींस? क्रॉस एलर्जी मींस इफ वन पर्सन इज एलर्जिक टू वन पेनिसिलिन देन ही इज ऑल्सो एलर्जिक टू ऑल अदर पेनिसिलिन। ठीक है, एक आदमी अगर एक पेनिसिलिन से एलर्जिक है, ही इज एलर्जिक टू ऑल अदर पेनिसिलिन ऑल्सो। वो सेफालोस्पोरिन से भी, ऑल अदर बीटा लैक्टेमेज से भी एलर्जिक है, बट ही इज नॉट एलर्जिक टू मोनोबैक्टम्स। ओके ठीक है, नाउ पेनिसिलिन जी का इंडिकेशन क्या है? पेनिसिलिन जी कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम? तो दिस आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर एल फॉर लिस्टेरिया, इसका न्यूमोनिक है लास्ट मैंगो। ओके, एल फॉर लिस्टेरिया, ए फॉर एक्टिनोमाइकोसिस, एस फॉर सिफिलिस, टी फॉर टिटानस, एम फॉर मेनिंगोकोकस, एन एंथ्रेक्स, जी फॉर गोनोकोकाई। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपको न्यूमोनिक्स बना के ये लिख के आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स पता है क्या? किससे होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस से होता है। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पेनिसिलिन जी। सिप्रोफ्लोक्सेसिन भी हम यूज करते हैं, पर एंथ्रेक्स में ड्रग ऑफ चॉइस इज पेनिसिलिन जी। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, 6 मिनट बचा है मेरे पास, जूम मीटिंग विल गेट ओवर एनी वे, आई ट्राई टू फिनिश एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड, आई विल गो ए लिटिल फास्ट। ठीक है, तो गोनोकोकाई, गोनोकोकाई के बारे में हमने बात किया लास्ट मैंगो। ठीक है, मैंगो में गो गो मतलब चला जाता है, इसको अच्छा नहीं लगता है, मैंगो के साथ रहने अच्छा नहीं लगता, तो इट गोज। तो इसको हम यूज नहीं करते हैं, पेनिसिलिन जी यूज नहीं करते हैं हम। ठीक है, गोनोकोकाई में ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस क्या है? इट इज नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन जी। गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, गोनोकोकाई के कारण एक यूरेथ्राइटिस होता है, उसमें क्या यूज करते हैं हम? सेफिट्राइक्सोन, सेफ्ट्राइक्सोन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस एजिथ्रोमाइसिन। ये सब आप लिख दो और इसको आप याद करना है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मिक्स्ड, सोचो गोनोकोकल भी है और नॉन गोनोकोकल भी है, तो क्या होगा? एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, अब लिस्टेरिया, लिस्टेरिया का इन्फेक्शन जो होता है, लिस्टेरिया इज ए
माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, तो इसका अगर इन्फेक्शन होगा तो क्या कौन सा ड्रग यूज करेंगे? एम्पिसिलिन हम यूज करेंगे. ओके, सिफिलिस, सिफिलिस के बारे में बात करते हैं. आई हैव 5 मिनट्स. हाँ, 5 मिनट्स में हो जाएगा सिफिलिस. तो सिफिलिस टाइप है फर्स्ट डिग्री, प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस और लेटेंट सिफिलिस. लेटेंट है, अर्ली लेटेंट होता है और लेट लेटेंट होता है. ठीक है, लेट लेटेंट. ठीक है, और फिर टर्शियरी होता है और फिर न्यूरोसिफिलिस होता है. ठीक है, तो प्राइमरी सिफिलिस और अर्ली सिफिलिस, सेकेंडरी और अर्ली, प्राइमरी सेकेंडरी और अर्ली सिफिलिस में हम बेंजेथाइन बेंजेथाइन पेनिसिलिन यूज करते हैं. ठीक है, बेंजेथाइन पेनिसिलिन जी यूज करते हैं. और कितना इंट्रामस्कुलर यूज करते हैं? 2.4 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलर. ठीक है, पर क्या होता है, लेट सिफिलिस, लेट लेटेंट और टर्शियरी सिफिलिस में हम ये जो है प्राइमरी सेकेंडरी और अर्ली में वन डोज यूज करते हैं, सिर्फ एक डोज में हो जाता है. पर टर्शियरी और लेटेंट में हम 3 डोज यूज करते हैं. ठीक है, 1 वीक पहले देते हैं, फिर सेकेंड वीक में देते हैं, फिर थर्ड वीक में देते हैं. तो ऐसे देते हैं. तो टर्शियरी और लेटेंट, लेट लेटेंट और टर्शियरी में हम 3 इंजेक्शन देते हैं. एक इंजेक्शन से हमारा काम नहीं होता है. ठीक है, फिर टिटेनस, टिटेनस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? अगेन पेनिसिलिन. ठीक है, मेट्रोनिडाजोल भी यूज करते हैं पर हम पेनिसिलिन यूज करते हैं. ठीक है, मेनिंजोकोकाई, मेनिंजोकोकाई लास्ट बच गया है. मेनिंजोकोकाई का ट्रीटमेंट 2 तरीके का होता है, एक है एम्पेरिकल, एक है डेफिनेटिव. तो एम्पेरिकल कब होता है? एम्पेरिकल मीन्स वी आर नॉट श्योर कि ये जो जो इन्फेक्शन हुआ है आपको इसके कारण हुआ है, मेनिंजोकोकाई के कारण हुआ है. वी आर नॉट श्योर, देन वी डू एम्पेरिकल ट्रीटमेंट. एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में हम क्या यूज करते हैं? सेफ्ट्रायोक्सोन. ठीक है, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मतलब वी आर श्योर दैट द इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय मेनिंजोकोकाई, देन वी यूज पेनिसिलिन जी. ठीक है, फिर आपका आ गया प्रिवेंशन के लिए. अब ये आउटब्रेक हो गया, सोचो अभी जैसे कोरोना आउटब्रेक हो गया, मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन आउटब्रेक हो गया, तो हम क्या करेंगे? 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर यूज, सिप्रोफ्लोक्सेसिन और सेफ्ट्रायोक्सोन. तो सेफ्ट्रायोक्सोन क्या है? सेफ इन प्रेगनेंसी एंड इन चिल्ड्रेन, बट इट कैन नॉट बी गिवन ओरली. तो इट इज नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंटिव. हमको क्या चाहिए? हमको जैसे मास में देना, हजारों लोगों को देना है, तो हम थोड़ी ना इंजेक्शन सबको इंजेक्शन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं. तो वी नीड समथिंग विच इज ओरली इफेक्टिव. तो सिप्रोफ्लोक्सेसिन जो है ओरली इफेक्टिव है. ठीक है, एंड इट कैन बी गिवेन ओरली, बट इट हैज वन प्रॉब्लम, इट कैन नॉट बी गिवेन टू चिल्ड्रन. ठीक है, कैन नॉट बी गिवेन इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन. ठीक है, तो इतना तक ही है. विल स्टॉप हियर, आई डोंट हैव एनी मोर टाइम. 2 मिनट्स दिखा रहा है यहाँ पे, रिमेनिंग 2 मिनट्स फॉर द क्लास टू गेट ओवर. आई थिंक ये जो सारा MCQ मैंने प्रिपेयर किया था, वी विल टॉक इन आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन. यू हैव एनी डाउट यू लाइक टू शेयर? कुछ क्वेश्चन है? एनीथिंग यू हैव नॉट अंडरस्टूड? एनीवन प्लीज. Not for now, madam. Not for now. Okay, Kumbar, कुछ problem है? नहीं है. Okay, Rajneesh. हाँ sir. हाँ, कोई problem है समझने में? नहीं है. Okay. No, no. Okay, Joyita. Joyita. ठीक है. ठीक है. Okay, Jimmy सही किया? जिमी सही किया? अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके, यू कैन डू वन थिंग, इफ यू हैव एनी डाउट एनी वे, आई विल बी पोस्टिंग दिस वीडियो इन यूट्यूब. आपको यूट्यूब में ये वीडियो मिल जाएगा, सो यू कैन रिवाइज अगेन. ठीक है, और आपको कोई डाउट है आप ग्रुप में शेयर कर दो. आई विल बी वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड एंड एक्साइटेड टू सॉल्व योर क्वेरीज. ठीक है, तो यहाँ पे ही हम खत्म करते हैं. ठीक है,
Thank you everyone for participating in the class. See you tomorrow for the final years and the interns. We will meet with orthodontics image-based questions. Okay? Or second years, I will let you know when our next class will be. Okay? Fine? Thank you everyone. Good night. Thank you.